तो फटाफट और मेरी केमिस्ट्री ठीक है। कौन कौन लेक्चर देखा है, कौन कौन लेक्चर नहीं देखा? चलो एक लेक्चर देखा तो कोई नहीं है, तुम लोगों का कोई मतलब ना है। लेक्चर देखते भी नहीं भी देखते तो मुझे स्टार्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पहला लेक्चर किस किसने कंप्लीट किया था? फर्स्ट लेक्चर देखा, क्या देखा? फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखा होगा ठीक है। इंट्रोडक्शन में कोई उतना बताने वाली बात भी नहीं थी, तुम लोग ऐसे ही समझ रहे समझ सकते थे। फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर सही कहा। फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया? अच्छा, फर्स्ट लेक्चर में नेम ये तो नहीं सीखा है, स्टार्टिंग से फर्स्ट लेक्चर में कहाँ तक पढ़ाया? इधर तक ना। हाँ फर्स्ट लेक्चर, अरे फर्स्ट लेक्चर तुम लोग क्या देख लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम स्टार्ट कर रहे हैं नेमिंग ठीक है। तो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और इंट्रोडक्शन के लिए कितने पेज? दो या तीन पेज? कितने पेज? दो पेज है, छोड़ देना बेटा वो तो। सिंगल सिंगल दो पेज ठीक है। उसको इंट्रोडक्शन तो मैंने देख के भी कभी भी लिख सकते हो, 30 या 35 मिनट का होगा बस बहुत सारे तरीके। हम लोग केवल और केवल यहाँ पर कौन सा सीखेंगे? IUPAC कॉमन नेम निकालना विद चैप्टर हम सबका सीखेंगे ठीक है। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे बेटा? IUPAC नोमेनक्लेचर। तो IUPAC नोमेनक्लेचर हमारा मेन थीम। अब ये बताओ IUPAC का फुल फॉर्म किसको याद है? IUPAC का फुल फॉर्म किसको याद है, किसको नहीं याद है बताओ? बोल। इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो एल्केन को। हाँ
molecular formula represented by CnH2n plus 2. Look, CnH2n plus 2. The molecular formula represented by CnH2n plus 2. ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो टाइप के, सुना ध्यान से, एक तो बिना ब्रांच वाला, एक ब्रांच वाला, एक विदाउट ब्रांच, एक ब्रांच वाला। तो सबसे पहले हम बिना ब्रांच वाले सीखते हैं, ठीक है। अब ये बताओ एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, मेथ याद रखना, एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, साइड में नहीं लिख लो, एक कार्बन के लिए आपका देखो वो तो आपको छोटी की बात है, वो आपको याद रखना है। एक कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, मेथ, तो नाम क्या होगा एल्केन का, मेथेन। दो कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, ई, ठीक है, मैं ई यहीं से बता सकता हूँ। अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड नेमिंग काफी सिंपल है, काफी इंटरेस्टिंग है, जल्दी बोलते जाओ। यहाँ पर मैंने सी एच फोर, नंबर ऑफ कार्बन ए, तो इसका नाम क्या होगा बेटा, बोलो जल्दी से, मेथेन हो गया। अगर मैंने सी टू एच सिक्स, नंबर ऑफ कार्बन कितने, दो, तो क्या होगा इसमें, जल्दी से बोलो, इथेन। अगर यहाँ पर मैंने बोला सी थ्री एच एट, जल्दी बोलो क्या होगा नाम, प्रोपेन, क्या हो गया नाम, प्रोपेन। अगर मैंने बोला सी फोर एच टेन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। इस चीज को समझ में आ रही है, देखो नंबर ऑफ कार्बन ये वाला जिसको मैंने अंडरलाइन किए हैं वो आपका होता है इसका नाम, ठीक है, वो आपका क्या होता है बेटा, इसका नाम। इस बात को ध्यान से समझना, अगर मैंने C5H2N कर दिया क्या हो जाएगा, पेंटेन, क्या हो जाएगा, पेंटेन। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या C6H14, क्या हो जाएगा, हेक्सेन। और अगर मैंने लिख दिया C7H बोलो 16, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, हेक्टेन, ठीक है। अगर मैं लिख दिया यहाँ पर C8H 18, कितना हो जाएगा, ऑक्टेन। C9H बोलो 20, क्या हो जाएगा, नोनेन। अगर मैं लिख दिया C10H 22, क्या हो जाएगा, डेकेन, वेरी गुड, क्या हो जाएगा नाम इसका, डेकेन। अगर मैंने इसको लिख दिया C11H 24, क्या हो जाएगा, अंडेकेन, क्या हो जाएगा, अंडेकेन, इसको मैं अंडे, ठीक है। अगर मैं लिख दिया C12H बोलो 26, फॉर्मूले में लिख लूँ ना, क्या हो जाएगा 26, क्या हो जाएगा, डोडेकेन। अगर मैं लिख दिया C13H बोलो 28, क्या हो जाएगा, ट्राइडेकेन, ठीक है, ट्राइडेकेन। अब यहाँ पर अगर मैं सी में चला गया कहाँ पर, बताओ दिखाया था तुम लोगों को, किस किस ने लेक्चर देखा था इसका, यहाँ पर देखा था। अब क्या लिखा था बताओ, C20H 22 सॉरी 42, क्या क्या होगा बेटा बोलो, इकोसेन, ये हो जाएगा। अगर मैंने 21 कर दिया तो क्या होगा, 22 कर दिया तो, ठीक है, तो अगर 21 कर दिया तो क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बोलो, 44 अनिकोसेन, ठीक है। ये सब इतना याद रखना, ठीक है, ये सब फालतू की बातें, ठीक है, लिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि सब लिखाते मैंने भी, ठीक है, सब लिखाते इसलिए मैंने लिखाते हैं, इतना आज तक कभी नहीं पूछा जाएगा और ना ही पूछा, डोंट एक तक तुमसे पूछा जाएगा, ठीक है, तो करते हैं बता। अगर 30 कर दे तो क्या हो जाएगा, कौन पे, क्या हो जाएगा, बोल बोल क्या होगा, ट्राइपॉड है। और उसके आगे अगर 50 किया तो पेंटागोन है, इस तरीके से चलता रहेगा। तो इसका लिख लो यहाँ पर कितना हो होगा बेटा, 62, क्या हो जाएगा, ट्राई फोर्टेन, नहीं गलत लिखा, ठीक है। अब वो यहाँ पर 40 होगा तो टेट्रा, ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। ये तो था सारे के सारे, क्या थे ये,
जितने भी एलिगेंट थे वो सारे के सारे क्या थे, अनब्रांच, उसके अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं थी, कोई किसी भी टाइप का क्या नहीं था बेटा, सब्स्टिट्यूएंट नहीं था। तो जल्दी लिख लो बेटा इसको, फिर मैं आगे लिखा दो, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, फिर मैं फिर मैं आगे लिखा दो, इसके आगे क्या होगा, लिखा लिखा सबने, देखो इतना नहीं लिखा, तुम लोग इतना तक ध्यान रखना है, तुम लोग कहाँ से क्या लिखा है टुडे, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये सारे किसके लिए थे बोलो, अनब्रांच वो एलिगेंट, तो यहाँ पर नेमिंग के ब्रैकेट में लिख लेना साइड में, ये यहाँ पर किसके लिए साइड में, तो अब साइड में यहाँ पर लिख लेना ये आपका किसका है, नेमिंग ऑफ, नेमिंग ऑफ अनब्रांच, नेमिंग ऑफ अनब्रांच एलिगेंट, ये आपका किसका नेमिंग है, अनब्रांच एलिगेंट, ठीक है। अब देखो नेमिंग ऑफ ब्रांच एलकेन, नेमिंग ऑफ ब्रांच एलकेन, नेमिंग ऑफ ब्रांच एलकेन, समझ में आ रहा है क्या लिखेंगे बेटा इसमें, यहाँ पर नेमिंग ऑफ ब्रांच एलकेन, ठीक है, बात क्लियर है। अब ब्रांच एलकेन के नेमिंग से पहले तुम लोगों को मैं बातें अभी बताऊंगा, इसको ध्यान, ठीक है ना, नेमिंग ऑफ ब्रांच एलकेन। अब इसमें अब यहाँ से आपके रूल स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रूल लिखना, रूल नंबर वन, नेमिंग ऑफ ब्रांच एलकेन में सबसे पहले लिखो रूल नंबर वन, रूल नंबर वन क्या होगा, सबसे पहला रूल बोलो, ठीक है, तो क्या होगा, डिसाइड द लॉन्गेस्ट, डिसाइड द लॉन्गेस्ट लिखो, डिसाइड द लॉन्गेस्ट, डिसाइड द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, ठीक है, डिसाइड द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, इस वर्ड का मीनिंग क्या समझ में आया, क्या समझ में आया मीनिंग बोलो, डिसाइड द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन का मीनिंग क्या समझ में आया बेटा, बताओ जल्दी से बोलो, अरे बेटा नहीं बोलो तो कैसे समझ में आया मुझे, बोलो क्या समझ में आया तुम लोगों को, मतलब आपको सबसे लंबे कार्बन चेन को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो होगा वो अपने आप में क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल कार्बन चेन या फिर पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है, तो साइड में लिख लो उसको, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल कार्बन चेन या फिर पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है, डिसाइड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और वही आपका क्या क्या होगा बेटा, प्रिंसिपल कार्बन चेन या फिर पेरेंट कार्बन चेन, बात क्लियर है, प्रिंसिपल कार्बन चेन या फिर पेरेंट कार्बन चेन। इस क्लास में तो कोई वहां क्या है, डिसाइड करो, ये कहां जाता है, घूमने इस क्लास में तो नहीं है ना, उस क्लास में गया है, अच्छा अच्छा डेली करता है कैसे, कल कौन सी क्लास है, हमारे साथ नहीं था, तो यहाँ आ रहा हो जी जी जी, देखो आ गए, ठीक है, पहला काम कर लिया तुमने, डिसाइड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, और वही आपका क्या हो जाएगा बेटा, पेरेंट कार्बन चेन या फिर प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो अब यहाँ पर समझो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बताना बेटा, ठीक है, एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पर मैंने सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच, सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच टू, सी एच, सी एच थ्री बेटा सी एच, अब बताओ डिसाइड करो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पर कितने कार्बन चेन की पॉसिबिलिटी है, हम सारी पॉसिबिलिटी को सबसे पहले एनालिसिस करेंगे, तो तरीका समझना, सारे पॉसिबिलिटी को हम सबसे पहले एनालिसिस करेंगे, तो बोलो 1 2 3 4, अगर मैं इसको प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करूं तो कितना हो जाएगा, ठीक है, इसको सेलेक्ट करूं तो कितना होगा बेटा, 4, 1 2 3 4 5 6 7, इसको सेलेक्ट करूं तो कितने कार्बन की कंटीन्यूअस कार्बन चेन होगी, 7, अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8, व्हिच
one is longest? A. जहाँ से 1, 2, 3, 4 अगर मैं इसी को सेलेक्ट करूँगा तो सेलेक्ट तो इसी को किया ना, तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी थी बेटा? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी थी? 8 कार्बन। कितने का कार्बन क्यों थी बेटा? 8 कार्बन थी। इसी को हम क्या बोलेंगे? अब देखो इसका हम बेस नेम क्या लिखेंगे? बेस नेम मतलब हमेशा बेस नेम लिखना पड़ेगा। बेस नेम क्या होगा बेटा इसका? कितने कार्बन की चेन है? 8 कार्बन की चेन है, तो बेस नेम डायरेक्टली लिखेंगे ऑक्टेन। ठीक है, बेस नेम हमेशा लिखेंगे ऑक्टेन। बात क्लियर है? जैसे हमने अभी बताया था ना अनब्रांच, देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, थोड़ी देर के इसको अनब्रांच सोचो, तो अनब्रांच अगर होता 8 कार्बन की चेन तो नाम क्या रखते? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर मैं बोलना चाहूँ एक और एग्जाम्पल सुनना ध्यान से, इसमें बताओ बेटा CH2, CH3, CH, फिर बोलो ये CH2, ये CH2, ये CH3। अब बताओ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कौन सी? सेलेक्ट करो, सबसे पहले सारे पॉसिबिलिटी निकालो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। नाउ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट कौन सी है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट। अब तुम लोगों के मन में क्या आ गया? प्रॉब्लम क्रिएट हो गई क्योंकि किसको हम लोग सेलेक्ट करें? अभी थोड़े देर के लिए इस एग्जाम्पल को मैं हटाता हूँ, इसका भी पेपर मैं बताऊंगा, इस एग्जाम्पल को वापस से भी बताऊंगा, नहीं तो इसको एक कार्बन का। हाँ आप बताओ लॉन्गेस्ट कौन सी होगी? लॉन्गेस्ट कौन सी होगी बताओ? ये वाली होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सबसे लॉन्गेस्ट। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और इसका बेस नेम क्या आपका हो जाएगा बेटा? बेस नेम बोलूं क्या होगा? कितने कार्बन के लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सामने ध्यान दो बेटा, कितने कार्बन के लॉन्गेस्ट कार्बन चेन? 8 कार्बन के। तो इसका बेस नेम क्या होगा बेटा? ऑक्टेन। यहां तक इसको क्लियर हुआ सर सारी बात? बेस नेम क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। अब यहां तक इस किसको कंप्लीट समझ में आया? अब एक बात समझो, जो ये ब्रांच निकलेगी हम लोग वो क्या होगी? जो ये ब्रांच निकलेगा हम लोग उसी को हम क्या बोलते हैं? सब्सटिट्यूट। तो ब्रांच को हम दो अगर मैं अच्छे टर्म में डिफाइन करना चाहूं तो क्या होगा बेटा? वो सब्सटिट्यूट जो प्रिंसिपल कार्बन चेन में तो प्रिंसिपल कार्बन चेन से अटैच होते हैं लेकिन नंबरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। समझ में आया? नंबरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे या फिर प्रिंसिपल कार्बन चेन से अटैच होंगे डायरेक्टली, वो सारे के सारे क्या होंगे? सब्सटिट्यूट। तो फर्स्ट टू समझ में आया? फर्स्ट टू क्या बोलना चाह रहा है बेटा बोलो? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन। अब सेकंड रूल लिखो, सेकंड रूल, और सेकंड रूल का पॉइंट है नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन। नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन कौन से वाला कार्बन चेन जल्दी बताओ, जल्दी बताओ नंबरिंग ऑफ कौन से कार्बन चेन को नंबरिंग करेंगे? प्रिंसिपल पेरेंट कार्बन चेन को। तो लिखो नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल पेरेंट कार्बन चेन, नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल पेरेंट कार्बन चेन। अगला रूल लिखना नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल पेरेंट कार्बन चेन, इसको लिखना है क्या बेटा? आप लोगों ने लिख लिया है? किस किसने लिख लिया कंप्लीट? खुशी लिख लिया तुमने? देखो आराम से थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल पेरेंट कार्बन चेन, one substituent are present in principal parent carbon chain।
in one substituent presenting principal current आपके जब आपका कितना बताओ जल्दी से मुझे बताओ क्या बोलने जा रहा हूँ मैं प्रिंसिपल करंट कार्बन चेन में जब कितने सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो सिंगल सब्स्टिट्यूएंट मतलब एक ही टाइप का एक ही सब्स्टिट्यूएंट मतलब जैसे एग्जांपल समझ समझ आया पर एग्जांपल ये मेरे का CH3 CH2 CH CH3 CH2 आप बताओ कंटीन्यूअस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी सेलेक्ट करोगे बेटा ठीक है ये आपका हो गया कंटीन्यूअस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मान लिया ये हो गया कंटीन्यूअस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ठीक है बात क्लियर है अब ये अगर आपका कंटीन्यूअस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया तो आप बताओ नंबरिंग कहां से करोगे नंबरिंग भी आप करनी है तो तुमने पहला स्टेप तो समझ लिया कंटीन्यूअस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप दूसरा स्टेप क्या होगा नंबरिंग करनी पड़ेगी नंबरिंग कहां से करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर मिले मतलब जहां से सब्स्टिट्यूएंट सबसे क्लोज रहे तो नंबरिंग कहां से करेंगे 1 2 3 4 तो नंबरिंग एक तो मैंने यहां से किया और एक मैंने कहां से किया बेटा बोलो 1 2 3 4 अब ये क्या है बेटा इसको क्या बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट इसको क्या बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट अब ये बताओ मुझे कि सब्स्टिट्यूएंट में बताओ सबसे पहले कि सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पे आना प्रेफर करेगा दो पे या तीन पे दो पे तो सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा लेस नंबर वाले पे रखना पड़ेगा तो एग्जांपल लिख लो अब देखो इसके अंदर कितने सब्स्टिट्यूएंट है आगे समझ में आप अच्छे से अब सब्स्टिट्यूएंट है हो गया बेटा समझ में आ गया आगे समझ में अब तो ये आपके कितने सब्स्टिट्यूएंट वाले थे आपके और आपके एग्जाम में एक सब्स्टिट्यूएंट वाला थोड़ी ना देगा 10th क्लास होता है तो जीजे का एग्जाम है ना तो मैं एक सब्स्टिट्यूएंट वाला तो क्वेश्चन नहीं लेता है कौन से कितने सब्स्टिट्यूएंट वाले लेंगे 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे मिलेंगे अब देखो एक अगला पॉइंट एक मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन पेरेंट कार्बन चेन मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन पेरेंट कार्बन चेन अब देखो आप अगर आपका एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अगर आपके पेरेंट कार्बन चेन में प्रेजेंट होगा तो क्या होगा बेटा बोलो जल्दी से और ये हो गया CH3 ये हो गया CH ये हो गया CH3 ये हो गया मैं बता रहा हूं एग्जांपल क्या हुआ दे RFPD बोले क्या रहा है Thank you.
जब मैं यहाँ से यहाँ मूव कर रहा हूँ तो थ्री और सिक्स पर, तो अब ये बताओ विच वन इज करेक्ट? टू कॉमा फाइव नहीं करेक्ट है, यही गलती करते हो। अब देखो पहले ही पॉइंट पे तुमको पता पड़ जाएगा तीन बड़ा आ गया दो से, तो जो 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 पहले छोटा मिलेगा वही करेक्ट। अब समझना इधर, अब समझना इधर, समझना इधर, जो पहले पहले पॉइंट में डिफरेंस आ जाएगा, पहले पॉइंट में छोटा, मुझको दूसरे का तो निकालने की क्या जरूरत नहीं है, पहले से पता पड़ जाएगा। ठीक है आप लिखो उसमें कहाँ पे लिखा है, हाँ कौन सा ये वाला सही है और हाँ तो ये वाला गलत है, ये वाला सही है। अभी बताऊंगा चिंता मत, तुमने वही पता मैंने को उल्टा वाला देखा ना। अरे तुमने, तुम अगर इन दोनों के हिसाब से कर रहे हो तो गलत है, हमको एक ही पॉइंट पे देखना है, हमको दोनों पॉइंट पे नहीं देखना, समझ में आ रहा है? तुम लोगों को मैं बताऊंगा एक एग्जांपल, तुम लोगों को बड़ा पसंद भी आएगा और तुम्हें समझ में भी आ जाएगा कि क्या अप्लाई करना है। ठीक है हर साल गलतियाँ होती है बेटा इसमें, इसको नॉर्मल क्वेश्चन किसी को इतना नहीं कि सबको सुपर फाइन लेवल पे समझ में आता है। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी 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 लिखो बराबर, इतने एग्जाम्पल जैसे लिख रहे हो तुम लोग, चलो एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिख लो फिर मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल लिख लो, दिन में जो जो स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ उसको लिखना। ठीक है when more than बेटा अलग अलग पेन से लिखना नंबरिंग, ताकि तुम्हें पता पड़े कौन सी नंबरिंग गलत है कौन सी नंबरिंग सही है। बेटा इसको अपना दिमाग मत लगा देना, नहीं तो तुम इधर उधर नंबरिंग कर दोगे। बेटा अभी जो स्टार्ट का मैं 10-12 दिन काफी इजी इजी लूंगा, मतलब इजी इजी इन द सेंस की धीरे धीरे चलूंगा, उसके बाहर एक रूल नहीं जाएगा, ये बात मान के चलना। समझ में आया? अपना दिमाग यूज नहीं करना है क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग कम है या है। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, लिखिए एग्जाम्पल। अब देखो when more than one substituents are present in parent carbocyl chain, then we will apply rule of first point of difference. हम क्या apply करेंगे बेटा? Rule of first point of difference. अब क्या होगा rule of first point of difference? देखो क्या लिखा वहां तक, मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन पेरेंट कार्बन चेन, देन वी विल अप्लाई रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को ब्रैकेट में लिखना आर एफ पी डी, नेवर देखो आगे नेवर ट्राई टू यूज लोएस्ट सम रूल, never try to use lowest sum rule। और इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, तुम लोगों का दिमाग वो चलेगा, सिंगेज में भी दिया होगा लोएस्ट सम रूल कभी भी यूज नहीं करना है, बहुत सारी बुकों में मिलता है लोएस्ट सम रूल, ढूंढना मिलेगा मैं भी स्वाम में मिलेगा लोएस्ट सम रूल। ठीक है लोएस्ट सम रूल समझ में आया? अब लोएस्ट सम रूल बेटा वैसे मैक्सिमम जगह, मतलब अब देखो एक्चुअली लोएस्ट सम रूल आपके 90% जगह करेक्ट है, लेकिन आरएफपीडी आपका 100% जगह करेक्ट है, तो कौन सा यूज करना बेटर रहेगा? आरएफपीडी बताओ एग्जांपल। अब इन दोनों का सम करो, तो लोएस्ट कौन है? तो इसीलिए सही है, ऐसा दिया हुआ है तुम्हें बुक में, तो लोएस्ट सम रूल आपका हर जगह सही नहीं है, कौन सा सही है? आरएफपीडी। अब आरएफपीडी का मतलब क्या है बोलो, रूल ऑफ
डिफरेंस मतलब क्या बोलना चाह रहा है, पहले ही पॉइंट पे डिफरेंस आपका क्रिएट हो जाए, पहले ही पॉइंट पे आपका डिफरेंस क्रिएट हो, आपका हो जाए, तो यहाँ पर पहले पॉइंट पे क्या रहा है, यहाँ पर पहले पॉइंट पे क्या रहा है, तो पहले पॉइंट पर कब कहाँ आ रहा है, समझ में आया? अगर मैं बोलना चाहूँ एग्जाम्पल समझा, अगर मैंने बोला वन और सेवन और एक आया मेरे वन और मान लिया सिक्स पर, सॉरी टू और सिक्स पर, अब बताओ कौन सा सही होगा, बताओ कौन सा सही है? नहीं, ये हुआ हमारा हाँ टू और सिक्स पर, तो दोनों का नंबर क्या आ गया लोएस्ट, सम करो इसका कितना है, कौन सा सही होगा लोएस्ट सम करो, तो हमेशा ऐसे करेंगे ठीक है। अगर मुझे ऐसा लिखे मिल जाए वन वन थ्री फाइव और यहाँ मिल जाए वन वन टू फाइव टू फोर, विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट, पहला पॉइंट नहीं मिला सिमिलर है, फिर अगले पे जाएंगे सिमिलर है, फिर अगले पे कौन सा, तो विच वन इज करेक्ट, समझ में आ गया? इसी को क्या बोलते हैं तुम लोग, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो देखो इसकी एग्जांपल कराता हूँ एक दो ताकि तुम्हें और भी अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है। अब मुझे बताना कैसे करेंगे ठीक है, अब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से आपको डील करना है ठीक है, पक्का बेटा तुम लोग बोलोगे तो सही, तुम लोग बताना मैं एग्जाम्पल ठीक है। अब देखो ये एग्जाम्पल लिखा मैंने, अब देखो यहाँ पर इंडिया में सी एस सी अच्छा which one is longest continuous carbon chain? This one? Yes. Yeah, this one. से तो किसी भी एक को ले लेंगे, दिक्कत क्या यार, दिक्कत है कोई, तो किसी भी एक को उठा लो स्पेशल, तो मैंने उठा लिया स्पेशल इसको, बात क्लियर है ये मिल जाएगा। अब बताओ नंबरिंग कहां से करेंगे, कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं पहले एनालिसिस करो, इसको ठीक करो, कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं, अब कैसे करेंगे बेटा बताओ जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7 8 जब मैं यहां से यहां घुमाऊं तो बताओ क्या होगा, 3 6 3 6 6 पर आएगा, 1 2 3 4 5 6 लेकिन जब मैं यहां से यहां घुमाऊं तो 3 6 अब क्या करूं, अब क्या कर रहा अब ये आपका आर एफ पी डी क्या हो गया बेटा, कोई बात नहीं आर एफ पी डी क्या हो गया बेटा, यहाँ पर फेल, यहाँ पर वो आर एफ पी डी क्या हुआ फेल, जब आर एफ पी डी अगर आपका फेल होगा तो हम कौन से ऑर्डर से चलने वाले, अल्फाबेटिकली ऑर्डर ठीक है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर से चलने वाले, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर अल्फाबेटिकली ऑर्डर से चलने वाले तो कैसे करेंगे बेटा, समझना ध्यान से ठीक है, अब ध्यान से समझना, अगर आर एफ पी डी फेल हुआ अल्फाबेटिकली ऑर्डर, अब ये बताओ ये दो कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है, दो कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट का अल्फाबेट कहां से स्टार्ट होगा, ई से, और इसका एम से, अब ये पहले बताओ दोनों में से पहले कौन आता है, एम आता है ना, बी आता है ना, पक्का पढ़ा है पक्का विवेक खड़ा हो पक्का आता है एबीसीडी, हाँ तो ये ए सी और ए बी में से पहले किसको लिखेगा, एबी को, ए सी बी और ए सी ए में से पहले किसको लिखेगा, समझ में आ गया, यहाँ पर तो कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, आर एफ पी डी हुआ कि नहीं हुआ, देखो ना जो पहले आ रहा है उसी को मौका मिल रहा है ठीक है, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कौन पहले आएगा, टी, तो कौन सा वाला करेक्ट होगा, ये वाला या ये वाला, ये वाला, दिस वन,
समझ में आया लिख लिख और इसी इसी का एक्सप्लेनेशन साइड में लिखना होगा कि आर एस पी डी क्या होगा जब आपका आर एस पी डी क्या हो जाएगा बेटा बोलो स्टेट हो जाएगा तब हम कौन सा ऑर्डर लेंगे कौन सा लेंगे अल्फा बेटा अल्फा क्या बोलते हैं इसको तो वैसे होती है ठीक है तो ये चीजें समझ में आए तो तुम लोग बेटा अल्फा पार्टिकल में लेना है तो तुम लोग अल्फा बेटा कुछ और समझ लो तुम लोग बस तो एक समझ ठीक है तो ये चीजें समझ में आए क्लियर हुआ कांसेप्ट पक्का तो रूल को बोल से फर्स्ट रूल क्या है नंबर स्टार्ट ऑफ चेन सेकंड रूल क्या है नंबर ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन उसके बाद अगर एक सब्स्टिट्यूएंट होगा तो जहां से लोएस्ट नंबर मिलेगा किसको सब्स्टिट्यूएंट को वो आपका सही है अगर मोर देन वन होगा तो ये चीजें समझ में आ गई पक्का आरएसपीडी फेल हुआ तो अगर अल्फा पार्टी की ऑर्डर फेल हो गया तो क्वेश्चन गलत सारे एग्जाम गलत नहीं होंगे अल्फा पार्टी की लास्ट अल्फा पार्टी की आपका लास्ट ठीक है इसके बाद अब हम हर जगह मैं आपको एक ही करके रूल को बढ़ाना चाहूंगा इसी रूल को मतलब वो आरएसपीडी अब हम मतलब आगे जाके एलकेएन का सिखाऊंगा तो मतलब मैंने एलकेएन पर लगा है अब इस पर लगा अभी एलकेएन का कर रहे हैं ना तो मैंने एलकेएन का सब्स्टिट्यूट वाला बनाया अब देखो नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट अब देखो नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट ठीक है अब देखो नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट ठीक है हमको इसका नाम लिखने के लिए मुझे और सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग भी तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए तभी हम इसका पूरा नाम लिख पाएंगे तो लिखो नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में सबसे पहले लिखो अब समझना बेटा तुम लोगों ने लास्ट मतलब 10th क्लास में पढ़ा होगा कौन-कौन की 10th क्लास में पढ़ा है ना मुझसे तो मैंने बताया था एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो एल्काइल बन जाता मिथाइल इथाइल तो लिखो एल्केन छोड़ो वो सब मत लिखो तुम लोग इतना लगो ना वो शॉर्ट पर ही खाता हूँ ये सब चीजें याद करिए तो लिखो इधर देखो एल्केन में से एल्केन माइनस एच मतलब बोलो CaH2n में से प्लस टू में से अगर मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो क्या बन जाएगा CaH2n प्लस वन ये क्या हो जाएगा अल्काइल इसको क्या बोलेंगे अल्काइल ग्रुप अब देखो जहां पर क्या चेंज हुआ एल के सेम इसका मतलब सफिक्स चेंज होगा एन की जगह आप क्या आएगा बेटा आपका आई ठीक है तो चलो स्टार्ट करें CH4 में से मैंने एक हाइड्रोजन को माइनस किया तो क्या हो जाएगा इसका नाम क्या होगा बोलो इसका नाम क्या होगा करिए बताओ मेथेन और जब मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या होगा नाम बोलो मिथाइल एन हटाओ समझ में आया अगर मैंने C2H6 में से एक हाइड्रोजन हटाया तो बोल बच्चा बोल फटाफट अब क्या बोलो इसका नाम क्या है बोलो इथेन और इसका नाम क्या होगा बोल बच्चा इथाइल लास्ट के 15 मिनट बचते मुझे बता देना ठीक है अगला C3H8 में से एक हाइड्रोजन हटाया तो बोलो C3H7 क्या होगा बेटा इसका नाम प्रोपेन तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपाइल कंसेप्ट समझ में आया पक्का याद भी रखना है अब तुम्हें लग रहा होगा कि हो गया सब्स्टिट्यूट करना अभी स्टार्ट हुआ बेटा
अभी बहुत बात दिल्ली अभी चले हम कुछ दिनों बाद करेंगे तो लेक्चर आए थे आप लोगों के लिए मुझसे जा रहे हैं कुछ दिनों में छुट्टी पे जा रहे कुछ दिनों में छुट्टी पे जाएंगे तो उस टाइम उसका लेक्चर दे दूंगा और उस टाइम आपको अच्छे से करके आना है और कल आपको जैसे ही मुझे लगेगा कि तुम लोग एक लेवल पे आ चुके हो देन आफ्टर मैं तुमको डीपीपी लेना स्टार्ट कर दूंगा ठीक है और डीपीपी में तीन क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल तीन क्वेश्चन केमिकल और बचे हुए क्वेश्चन नहीं जिससे तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम समझ में आया आया समझ में किसी को समझ में आ गई मतलब तुम लोग क्या खाना वाना खा के नहीं आते क्या एनर्जी क्या होती है तुम लोगों की शक्ल देख के ना कुछ बच्चों की शक्ल देख के मुझे ही पढ़ाने का मन नहीं करता मैं मुझे भी सोने का मन करता तुम लोग अगर एनर्जी से बोलोगे तो मुझे भी एनर्जी काफी आएगी क्योंकि मैं और अच्छा पढ़ाऊंगा जितना ज्यादा तुम बोलोगे उतना अच्छा मैं पढ़ाऊंगा बोलो बोलो किसने मना किया है क्या झाझड़ बात बोलो अरे ये कल तू क्वेश्चन करके लाया था क्या हाँ कल तू क्वेश्चन करके लाया था तो मुझे घुमा क्यों लगा सर ये क्या है तुझे मैंने सबके डेस्क पे आके क्या किया था सीधा देखा था ना चेक किया था तो तू उधर उधर घुमा रहा है मुझे सीधा दिखा देता सर ये क्या है पढ़ते ही नहीं ना अरे पागल लड़का बदमाश जबरदस्ती का खा लिया तूने अबे वो C4H10 क्या होता बेटा ये ब्यूटेन ठीक है बेटा ब्यूटेन में से अगर एक हाइड्रोजन माइनस किया तो बोल पक्का आ गया ये आपको लग रहा होगा इजी ठीक है जितना दिखने में इजी लग रहा है उतना इजी नहीं ये तो अभी चचालू ही किया था मैंने तुम्हें डराया नहीं ठीक है अब देखो नेमिंग ऑफ ब्रांच एल्काइन ये वाले कौन से थे अनब्रांच एल्काइन ग्रुप थे मतलब अनब्रांच का मतलब समझो समझो ध्यान से अनब्रांच का मतलब क्या देखो जा ये ऐसे था CH3 ये कैसे था बेटा CH2CH3 ऐसे था ये कैसे था CH2CH3 ये कैसे था ठीक है ये वाला कैसे था CH2 बोलो CH2CH2CH3 ठीक है क्या इन सब में ब्रांच आ रहा है सही बात है ये सारे अल्काइल ग्रुप हैं क्या इसमें ब्रांच आ रहे आ रहे हैं बोलो हाँ या ना नहीं आ रहे आ रहे हो आ रहे ना बताओ ना किसमें ब्रांच आ रहा है तो नहीं आ रहा ना अब ये बोलो कि तुम लोग एक क्वेश्चन नहीं पूछे सर ये आप ये वाला बोर्ड ठीक हो ये क्या है सब्स्टिट्यूएंट किससे जुड़े हुए होते हैं तो ये वाला बेचारा प्रिंसिपल कार्बन चेन से जुड़ा होगा समझ में आया समझ में आया एक चीज अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा मिथाइल इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम किस सब्स्टिट्यूएंट का नाम अगर ये सब्स्टिट्यूएंट होता तो मिथाइल अब समझ में आया अगर ये सब्स्टिट्यूएंट होता तो ये नहीं हो प्रोपाइल ऐसे कैसे बोल देगा प्रोपाइल तो ऐसा होता है अब ये सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी ब्रांच आ गया अब देखो ब्रांच नेमिंग ऑफ ब्रांच अल्काइल ग्रुप नेमिंग ऑफ ब्रांच अल्काइल ग्रुप अब इसके नेमिंग करने का तरीका थोड़ा अलग है देखो सुनना स्टेप वन सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन स्टेप वन क्या है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन स्टेप वन में हमको क्या करना है लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन को क्या करना है बच्चों बोलो फटाफट सेलेक्ट करना है
तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस स्टार को चेन को सिलेक्ट करो। ठीक है, आगे समझ में ये पक्का किस को आगे हैंड कर सकते हो? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन मेड और हां अब देखो जल्दी से सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। अगर मेरे पास ऐसा ग्रुप आ गया, मान लो कि ऐसा आ गया CH बेस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये यहाँ से कौन जुड़ा हुआ है? जल्दी बोलो। प्रिंसिपल कार्बन। ये चीज समझ में आ रही है तुम लोगों को? अब ये बताओ ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये अल्काइल ग्रुप, अगर बेस बांड कर रहा है तो अल्काइल ग्रुप, ये किसी पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ा होगा क्या? तो तुमको जब ऐसा जुड़ा हुआ मिल जाए तो फिर तो तुम लोगों से छोड़ दोगे क्वेश्चन, पहले से तो नहीं आता, गलत हो गया। जेई में हमारे साथ चिटिंग की गई, ऐसा थोड़ी ना आता। अब देखो इसमें क्या करना है, जहां से पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ा होगा वहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर दो। स्टेप टू लिखो नंबरिंग ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्या मैंने इसको पेरेंट कार्बन चेन बोला है? नहीं बोला है ना। ये वाला पोर्शन किससे जुड़ा होगा? नंबरिंग ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब देखो ये वाला पोर्शन किससे जुड़ा होगा? पेरेंट कार्बन चेन। पीसी विद्या, पीसी का मतलब पेरेंट कार्बन चेन या प्रिंसिपल कार्बन चेन, बात क्लियर है? अब नंबरिंग कहां से करना है? जहां से प्रिंसिपल कार्बन चेन जुड़ा होगा उसी कार्बन से सीधा 1 2 3 4 5। ऐसा नहीं करना है कि सर यहां से सब्स्टिट्यूएंट पास आ रहा है कि यहां से पास आ रहा है, इसमें नहीं दे देखना है। इसमें नंबरिंग कहां से करना है? सीधा स्टार्ट जहां से बोलो। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम जानते हो? इसको क्या बोलेंगे? 3 पर अब जुड़ा हुआ है 3 मिथाइल। बोलो ये हो गया पेंटेन। पांच कार्बन में पेंटेन होगा कि पेंटाइल होगा? पेंटाइल। तो ये अल्काइल ग्रुप ना, तो क्या बोलेंगे? पेंटाइल। समझ में आया बेटा? अब नाम समझ में आया? यहाँ तक तो मेरी क्वेश्चन था, सिंपल नाम पता, मिथाइल प्रोपाइल मिथाइल, ये वाला समझ में आया? नहीं आया। एक और लिखा, अब देखो ये मैंने लिख दिया CH3CHXCS। अब पेरेंट कार्बन चेन से कौन सा जुड़ा हुआ? CH। अब नंबरिंग कहां से करेंगे? नंबरिंग यहां से करेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा होगा? CH। कितने कार्बन का होगा? 3। कैसे? लॉन्गेस्ट को कंटिन्यूअस ऐसे सेलेक्ट करेंगे क्या? 1 2 फिर ये उल्टा? नहीं, ये कंटिन्यूअस सेलेक्ट करना है ना। बताओ कौन सा होगा? 1 2 मतलब ये वाला होगा। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? ये कौन सा ग्रुप है? तो नाम क्या होगा? 1 मिथाइल इथाइल, क्योंकि ये तो सब्स्टिट्यूएंट है। ये पेरेंट कार्बन चेन के नाम नहीं है, हम लिखेंगे एल्केन प्रोपेन ब्यूटेन एनएन। हम सब्स्टिट्यूएंट में नहीं लिखते, सब्स्टिट्यूएंट में क्या लिखते हैं? आई। सब्स्टिट्यूएंट में क्या लिखते हैं? हमेशा आई। बात समझ में आई? एक और एग्जांपल करते हैं, देखो इस बात और करते हैं एग्जांपल, ठीक है? डरना नहीं। Three.
example CH3 what ये हो गया आपका ये आपका रेस्ट है बोलो सबसे पहले नहीं तुम लोग गलत कर रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ उसका आंसर बताओ ठीक है पेरेंट कार्ड को चेंज से कौन सा कार्ड में जुड़ा है पूछा चलो बात क्लियर है पेरेंट कार्ड से चेंज से लोग इस कार्ड में चेंज कितने कार्ड हर जगह पॉसिबिलिटी ढूंढोगे तो दो ही आएगा किया तुमने होगा दो कार्ड में कौन कौन सा या तो ये वाला या तो ये वाला या तो ये उसके बाद नंबरिंग कहाँ से करेंगे ये यही से नया कोई पॉइंट मत ढूंढ लेना सर यहाँ से कर रहे हैं नया यहाँ से तो ये वन और ये टू अब नाम बोलो वन कोमा वन डाई मिठाई बने मिठाई के दो अलग अलग वन कोमा वन बोलो डाई मिठाई डाई बोलो क्या बोलो मिठाई मिठाई तो क्या हो गया आंसर वन कोमा वन डाई मिठाई मिठाई समझ में आ गया पक्का पक्का श्योर गलती तो नहीं हो गया अच्छे से करोगे कौन से चलो तो स्टार्ट आपको समझ में आ गया कितने टिपिकल भी तुम्हें सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए हम लोग तरीके से निकाल देंगे वो जो लिखा था ना एक एग्जांपल मैंने वहां पर एक और कर दिया था वो तुम्हें बाद में आएगा बाद में भी दूंगा नहीं एक साथ में कराऊंगा एलकेम का भी नेम के 10 एग्जांपल इसका होमवर्क तो दूंगा ना इंतजार करो थोड़ा सा इंतजार करो तो होमवर्क तो कल मिलेगा आज नहीं मिलेगा इसका कल मैं 10 एग्जांपल कराऊंगा उसमें से 8 में बताऊंगा दो आपको होमवर्क के लिए तुम्हें डीपीपी तो तुम्हें करना ही है होमवर्क ठीक है और कल का फर्स्ट एटॉमिक रेडिएशन की डीपीपी लेके आता परसों उसका टेस्ट होगा ठीक है इस तरीके से केमिकल लास्ट पे 10 मिनट आपका टेस्ट होगा कुछ ठीक है लास्ट पे 10 मिनट आपके क्या होगा बेटा टेस्ट होगा ठीक है और उसमें 10 मिनट में पीरियोडिक टेबल पे 20 क्वेश्चंस क्योंकि पीरियोडिक टेबल छोटा ड्रॉप आउट है 10 मिनट में आपको हमेशा 20 क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डालनी है ठीक है ठीक है श्योर और मार्क्स भी एंड टू हेड ही सेम टाइम ही हो चलो स्टार्ट करो बेटा स्टार्ट करो किस किस को कोई प्रॉब्लम आई है यहाँ तक किस किस को कोई प्रॉब्लम आई कितना प्रॉब्लम आई आप लोग झूठ बोल रहे कल का होमवर्क किस किस की कल होमवर्क दिया था मैं 10 क्वेश्चन कितने टाइम में किए और कॉपी लाए हो वो जिसमें तुमने ट्राई किया है सबको लगा है जरूरी है अपने विश्वास से कर तुम लोग को तेरे ऐसे प्रोफेसर 20 मिनट में एक ही क्वेश्चन ही देते ऐसे ही बोलते हैं कितने क्वेश्चन में डाउट है दो में डाउट है बस वो भी दे दो दे दो ना एक टूटी है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया खुशी हुई क्या एक भी तो आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसमें डाउट है और एक किसी का डाउट है एक तुम्हारे n by 2 मॉलिक्यूल आपके इलेक्ट्रॉन दे रहा है हाफ मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन दे रहा है वाला किया ही नहीं यार ट्राई किया उसको ट्राई कहाँ है दिखाओ बुक में ट्राई हाँ बहुत ये चीज हमेशा मान के चला और इस बच्चे को मैथ्स का डाउट होगा वो आ जाए कुछ नहीं आ जाए तो आ जाए मैथ्स का डाउट हो तो सबसे कुछ के टाइम में कुछ नहीं तो मत क्या तो ध्यान देना बेटा कि केमिस्ट्री जितना अच्छे से एक्सप्लेन करोगे उतना आगे बढ़ोगे
समझ में आया केमिस्ट्री में एक्सप्लेनेशन कर दूंगी। किस किस ने सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए? किए पक्का? चलो देखो एग्जांपल, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग एल्केन। हाँ दो मिनट, हाँ दो मिनट, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग एल्केन। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग एल्केन। अब तो मैं थोड़े थोड़े तो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना? आप बेटा लोएस्ट समूह नहीं लगाना, याद रहेगा पक्का? याद रहेगा। एल्केन के नेम का क्या रूल है पता है? और एल्केन में जो सब्स्टिट्यूएंट लगा रहे ना उसको अलग से साइड में निकाल के भी तुम नाम लिख के उसमें अप्लाई कर सकते हो। किस किस को मेरी बातें समझ में आ रही है? समझ में आ रही है मेरी बातें? या फिर ऊपर से भी जा रही है? समझ में देखो 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 अच्छा जो लिखो अभी शुरुआत में तो धीरे धीरे फिर उसके बाद स्पीड आएगी क्योंकि ये वाला टॉपिक धीरे धीरे तो पहला एग्जाम किस किस को पूरा समझ में आ गया? पूरा पॉइंट एक एक पॉइंट किसी को समझ में आ गया? इसमें पक्का आ गया। चल राइट द नेम ऑफ द नेम ऑफ फॉर्मेट। आप देखो यहाँ पर सी एच थ्री सी एच टू सी एच सी एच थ्री सी एच टू अब इसका नाम है फर्स्ट स्टेप क्या है बोलो? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। एल्केन का तो वही है ना, सब्स्टिट्यूएंट का नहीं है, तो बताओ कैसा हो? बताओ सेलेक्ट करो। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ठीक है? एक कौन सा? एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। एक कौन सा? एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। अब फर्स्ट है ना, कौन सा वाला लेंगे? ये वाला लेंगे या ये वाला लेंगे? ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला ना, ये वाला ना, पक्का आया ना? वो हाँ वाले कितने हिडरेस और ना वाले कितने हिडरेस? आप देखो हमेशा आपको वही पेरेंट कार्बन चेन लेना है जिसमें मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहे। अब चेक करो तो कैसे लेंगे? ऐसे, क्योंकि उसमें मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर लिखो, देखो यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की कितनी पॉसिबिलिटी है? कितनी पॉसिबिलिटी है? दो। देयर आर टू पॉसिबिलिटी फॉर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। देखो देयर आर टू पॉसिबिलिटी फॉर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। एग्जांपल लिख के देखो, देयर आर टू पॉसिबिलिटी फॉर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। In first longest continuous carbon chain, आप देखो इधर
देखो फर्दर प्ले समझो, इसको मैंने फर्स्ट माना था, ये सेकंड वाले को मैं हटा रहा हूं, ठीक है बेटा, सेकंड वाले को मैं हटा रहा हूं। इन फर्स्ट लॉगेस्ट कंटीन्यूअस काम में देयर आर टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट। यहां पर कितने सब्स्टिट्यूएंट्स आपके प्रेजेंट है बेटा? दो। कौन-कौन से? एक ये और एक ये। यही तो हुआ पेरेंट्स कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन से अटैच कितने सब्स्टिट्यूएंट है बेटा? दो। तो क्या लिखा हुआ था मैंने? इन फर्स्ट लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन कितने सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है? दो सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन अगर मैंने ये वाला समझ में आ गया, लेकिन अगर मैंने इसको मान लिया, अगर मैंने इसको लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन मान लिया, रहा से इसको हटा देता, अब समझ में आ रहा है? मैं एक ही पॉसिबिलिटी बता रहा हूं बेटा, तुम्हारे पास में जो आएगा वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है? चिंता वाली कोई बात नहीं। अगर मैंने इसको लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन मान लिया, अब बताओ यहां पर कितने सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है? एक ये और एक ये, ठीक है? तो देखो, इन सेकंड पेरेंट, इन सेकंड कंटीन्यूअस कार्बन चेन, इन सेकंड कंटीन्यूअस कार्बन चेन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट विल बी फॉर 3। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट विल बी 3। तो व्हिच वन इज करेक्ट? व्हिच वन इज करेक्ट? देन व्हिच वन इज करेक्ट? सेकंड। तो यहां से क्या सीखने को मिला आपको बोलो? यहां से क्या सीखने को मिला? हमको वही पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट। समझ में आ गया? तो ये वाला एक बार फंसा हुआ था कि इसमें दिक्कत आती, मैंने बताया था ना, जो दो थे उसके अंदर बताया था ना, दो थे फिर मैंने हटाया था, इसको हटा लो थोड़ी देर के लिए, तुमको मैं बाद में बताऊंगा। अब समझ में आ गया? तो क्या समझ में आया तुमको कि हमको वही पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या हो? अब जल्दी से स्टार्ट करो। आप जब हमने लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली तो उसके बाद नाम क्या होगा बेटा? बोलो नाम क्या होगा, जल्दी बोलो नाम कैसे लिखेंगे? लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली उसके बाद का स्टेप क्या है? नंबरिंग ऑफ पेरेंट कार्बन चेन करो। नंबरिंग कैसे करेंगे? देखो हमारे पास दो मेथड है। देखो एक तो हम यहां से चलेंगे, एक हम यहां से चलेंगे, दो ही से चलेंगे ना बेटा। या तो यहां से नंबरिंग करेंगे या तो यहां से नंबरिंग करेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि यहां से नंबरिंग करें 1 2 3, ऐसा करते ना नहीं करते। बोलो 1 2 3, यहां से नंबरिंग करते तो मैं नंबर नंबर डेटा को तो चलेगा या फिर नहीं डाल तो समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? किसका नहीं आएगा? आ जाएगा। देखो ये वाले एरो का मतलब यहां से नंबरिंग करना, बताओ तो कार का सब्स्टिट्यूएंट है 2 3 4 6, और यहां से चलो तो 3 3 6 6 7 7। व्हिच वन इज करेक्ट? व्हिच वन इज यही ना? नहीं नहीं, ये करेक्ट है, ये कैसे चेक करेंगे? हां वो आरएफपीडी क्या बोलता है बेटा? 6 से 3 छोटा है, 6 से यहाँ पर 3 छोटा है, इस पर लगाएंगे 6 और 3 पर लगाएंगे या 7 और 6 पर लगाएंगे? आरएफपीडी वेरी गुड। तो कौन सा छोटा? तो ये वाला करेंगे। अब हमारे पास आ चुका है क्या? नंबरिंग। अब नाम लिखना स्टार्ट करें। इस पेरेंट कार्बन चेन का बेस पेयर क्या होगा? 8 का मेरा फेवरेट है 8। तो बार-बार 8 ही बना लो ना, 8 से ज्यादा होता है ना 8 से कम होता है, ऑक्टेन हो गया। अब ऑक्टेन से पहले क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। तो देखो सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या होंगे बोलो? ऊपर मिथाइल है 2, यहां पर 2 पर मिथाइल होगा इसके हिसाब से, और 3 पर मिथाइल और 6 पर मिथाइल हो गया। तो मिथाइल और इथाइल में से कौन अल्फाबेटिकली अच्छा है? इथाइल। तो क्या करेंगे बोलो? 3-ethyl, नेमिंग को हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखेंगे। 3-ethyl बोलो तो नाम क्या होगा? बोल बोला तुमने तो बोला ना 2.6-methyl ऑक्टेन होगा ना? अब समझ में आ गया? अब बात
यहाँ तक इंडिया अब आखिरी में लिख लो एक्चुअली में परफॉर्मा क्या बेटा आयु किसी नो में मुझे लिखने का किसी नो में बड़ा कर सबसे पहले क्या लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट का नेम उसके बाद क्या लिखेंगे बोलो बेस नेम बेस नेम की या फिर नंबर ऑफ कार्बन से जो नाम होगा वो लिखेंगे ठीक है नंबर ऑफ कार्बन से जो नाम होगा वो लिखेंगे फिर उसके बाद क्या लिखेंगे बोलो प्राइमरी सफिक्स ठीक है प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स तो सेकेंडरी सफिक्स तक पहुंचते पहुंचते हमें बहुत देर लग जाएगी तो इसलिए हम अभी प्राइमरी सफिक्स कौन हो गए ए आर अभी तक तो मैंने इतने बताया ना तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा फिर सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंड भी लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे इसका लोकेंड Thank you.
number of students 5 46 47 बेटा कंपटीशन की वजह से बढ़ा ले क्या दो दो बार चलो 47 भी कर देंगे 48 में है ना 49 तो पूरी क्लास में मुझे कहने याद है 50 इसीलिए तो मैं क्वेश्चन याद करके आया हूँ क्वेश्चन याद करके चलो तुमको एक तरीका बताऊँ मैं ये पेपर मैंने डिस्कस भी किया हुआ चलो 46 बेटा तुम लोग क्वेश्चन बोलना डिस्कस कर लो ठीक है 46 लो ये जिसका है बोलो अब देखो बेटा 46 क्वेश्चन क्या बोल रहा है बोलो वो क्या बोलना चाह रहा है बोलो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज आगे बोलो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया पूछो क्यों
सिक्स और ये नाइन कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। इससे ये क्या आप 16 आ जाएगा आंसर सीधा। हमको कितने आइटम का दिया था? 10 आइटम का और 6 आइटम का। किसमें दिया था? जूल में। हमने जूल को किसमें कन्वर्ट किया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जूल को पहले किसमें कन्वर्ट किया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमारे पास 10^6 एटम आयोडीन का एनर्जी किसमें आ गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया तो फिर मैं ये एक एटम का निकाला था ना। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम का मतलब जानते हो? एक एटम की एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात क्लियर है? ये क्लियर हुआ? एक्सप्लेनेशन आ जाएगा अच्छे से। घर जाके इस क्वेश्चन को दो बार करना। नेक्स्ट कौन सा है बेटा? नेक्स्ट तो यही क्वेश्चन है 47। यही है ना? हाउ मच एनर्जी इन जूल मस्ट बी नीडेड टू कन्वर्ट ऑल सोडियम एटम ऑफ सोडियम, मतलब Na को Na प्लस में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, कितने जूल एनर्जी लगेगी? प्रेजेंट इन 2.3 मिलीग्राम ऑफ सोडियम वेपर। अरे अच्छा, अब देखो इससे इसमें कन्वर्ट हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? बोलो। आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या दिया हुआ है? बोलो 495। बोलो कि क्या दिया हुआ है? 495। ये पूरा बोला सीखो, किलो जूल पर मोल। और आज के बाद इस चीज को समझो, किलो जूल पर मोल का मतलब क्या बोलोगे? एक मोल में इतनी एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है। बोलो। तो एक मोल ऑफ सोडियम, वन मोल ऑफ सोडियम में कितने आयनाइजेशन एनर्जी लग रहा है? 495 किलो जूल। तो आपको कितने में निकालना है? और एक मोल सोडियम का वेट कितना हुआ? 23 ग्राम ऑफ सोडियम में कितना लगेगा बेटा, जल्दी बताओ? 495 डिवाइडेड बाय 23, अरे सॉरी 23 क्यों, एक मोल का मतलब कितना हो गया? एक मोल का मतलब 23 ग्राम। तो एक Na में, एक ग्राम Na में कितना लगेगा जल्दी बताओ? 495 डिवाइडेड बाय 23। अब कितने मिलीग्राम दिया हुआ है बेटों को? 2.3 मिलीग्राम को सबसे पहले कन्वर्ट करो ग्राम में। मिली है क्या? मिली है ना? तो मिली तो क्या? ग्राम में कितने आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी जल्दी बोलो? 495 डिवाइडेड बाय 23 इनटू 2.3 इनटू 10^-4 माइनस। अब आंसर किसमें आएगा? ये क्या है? किलो जूल। ये क्या है? ग्राम। ये क्या है? ग्राम। ग्राम किसमें क्या आंसर किसमें आएगा? किलो जूल को किसमें कन्वर्ट करना है? सॉल्व करो इसको। आंसर आया? किस किस को आ गया? पक्का आ गया? आप तरीका कैसे कर रहे हैं? एक बार और समझना किसी को, वन और एक बार और समझना है क्या? एक बार अरे समझ देखो, Na से Na प्लस, इसका मतलब क्या? आयनाइजेशन। किलो जूल पर मोल दिया हुआ, इसका मतलब क्या? एक मोल में इतने एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है। एक मोल Na से Na प्लस में कन्वर्ट करने में इतने एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है। तो आप बताओ 23 में एक मोल में कितने वेट? तो 23 ग्राम में भी इतना ही हो रहा होगा। तो एक ग्राम में कितना होगा? इतना होगा। जब एक ग्राम कितना होगा तो इतने ग्राम में भी इतना होगा। निकाल लेंगे। वही तो है बेटा, 2 रुपए में 3 चॉकलेट मिलती है तो 3 रुपए में कितने मिलेगी? 4 रुपए में कितने मिलेगी? वही तो खेल खेल के होता है। अगर वो भी नहीं आता तो फिर तो नहीं देखो पानी में वही तुम्हारे पास है। अच्छा रास्ता, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है बेटा। तो ये चीजें तो आनी चाहिए। क्लास 6 में बोलते थे तुमको 2 रुपए में 4 चॉकलेट मिलती है, 1 रुपए में कितनी मिलेगी? कितनी मिलेगी? आती है? आता है आप लोगों को बेटे? कितना मिलेगा 2 रुपए में 4 चॉकलेट? इतना सोचना पड़ रहा है?
क्वेश्चन वो कैसे करोगे बोलो. यू आर गिवन. अच्छा मुझे दिया गया है. बड़ा फॉरेनर क्वेश्चन समझ लेते हैं ना. इफ हाफ ऑफ एन एक्सेल. अच्छा अच्छा देखो देखो समझना. एक्स इसका हाफ हाफ ने इलेक्ट्रॉन दिया है. चलो इसके हाफ ने इलेक्ट्रॉन दिया है क्या गेन किया है. अभी तो यहाँ पर मान लो कि इसने इलेक्ट्रॉन को दिया है ठीक है. और हाफ ने इलेक्ट्रॉन को इसी इलेक्ट्रॉन को क्या किया है गेन किया है. तो यहाँ पर एनर्जी कितनी आएगी. यहाँ पर कौन सी एनर्जी आई है जहाँ पर सॉरी आई है. और यहाँ पर ई है. यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी. यहाँ पर वैल्यू आई वो प्लस में आएगी कि माइनस में. प्लस में ए आ जाएगी. और यहाँ पर माइनस क्या आ जाएगी. माइनस में आ जाएगी बी. और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी माइनस में होती है. बात क्लियर है. बात क्लियर है. कितने एटम के लिए. हाफ एटम के. दो मिनट हाफ एटम के लिए. तो यहाँ पर क्या जाएगा बेटा एन बाई टू. और एन बाई टू हाफ एटम के लिए कैसे निकालेंगे. बात क्लियर है. अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पर क्या बोल रहा है. देखो समझो पढ़ो क्वेश्चन. यू आर गिवन ऐसा ऐसा ऐसा. अच्छा ऐसा तो ऐसा करने में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है बोलो. हाफ एटम का मतलब क्या. हाफ हो तो इसलिए मैं टू करते हूँ. अब जल्दी बताओ कितना हो रहा है इसमें. a by a n by 2 minus b n by 2 equal to कितना आ रहा है. 409 किलो जूल. आगे नीचे समझ में. n की वैल्यू क्या होगी. वो एवोगाड्रो नंबर वाला ठीक है. हाफ एटम ना. समझ में आ गया. यहाँ से a की वैल्यू आ सकती है b की वैल्यू आ सकती है. यहाँ से क्या a की वैल्यू आ सकती है b की वैल्यू आ सकती है. हाँ या ना बोलो. कौन आ देगा. किसने मैथमेटिक्स पढ़ी है इतनी जो ये वैल्यू ला देगा. बता आ जाएगी वैल्यू कैसे आएगी. निर्णय पक्का नहीं आएगी. पक्का नहीं आएगी. सो पक्का नहीं आएगी. जो नहीं दो वेरिएबल है क्या. दो अलग अलग वेरिएबल है इसलिए आंसर नहीं आ पाएगा. तो मुझे एक और इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है. तो एक और इक्वेशन नीचे कुछ बोल रहा है. इफ इज एक्स माइनस आर. अब यही x माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है. x प्लस. तो x माइनस जब आपके x प्लस में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा बेटा. क्या होगा बताओ. तो दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो रहा है. x माइनस ये जो x माइनस है वो x पर आ रहा है. इलेक्ट्रॉन लेके n बाई टू ई. और वही n बाई टू क्या कर रहा है. वही n बाई टू x इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है. x को इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है. तो x प्लस 1 में कर रहा है ठीक है. बात क्लियर है. x प्लस 1 में कर रहा है. अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा. x माइनस से x एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है कि बताओ. इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है कि रिलीज हो रहा है. रिलीज हो रहा है कि ऐड हो रहा है. पक्का यार. पक्का. तो यहाँ पर ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो रिलीज हो रहा है. रिलीज हो रिलीज होगा तो क्या होगा. आयनाइजेशन एनर्जी कितना होगा a n by 2. और यहाँ पर कितना होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलो. ये x से x प्लस में जा रहा है. तो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं या फिर a ऐड कर रहे हैं. निकाल रहे हैं. तो यहाँ पर क्या होगा. यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा b n by 2. अब दोनों का क्या आएगा बेटा. सम आएगा. दोनों का सम किसके इक्वल आएगा. अब दो इक्वेशन को ऐड कर दे जो जो सकते हो. दो वेरिएबल दो इक्वेशन a और b की वैल्यू आ जाएगी ठीक है. तो a और b की वैल्यू निकालोगे तो आपको अपने आप पता पड़ जाएगा कि a और x मतलब x रुको. तो यहाँ पर x माइनस इफ दिस x माइनस आयंस आर कन्वर्टेड इनटू x प्लस. अच्छा x माइनस आपका x में कन्वर्ट हुआ और देन ये x प्लस में कन्वर्ट हुआ. तो यहाँ पर उल्टा हो गया. इसलिए यहाँ पर a होगा. यहाँ पर ये होगा. देखना इसी तरीके से होगा. इसको सॉल्व इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा. कितना आएगा. इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा. 733 किलो जूल पर. इस तरीके से सॉल्व करो आप लोग. अब आंसर पक्का आ जाएगा.
और कुछ कर लोगे? चलो ठीक है, ये किसका है बेटा? कल फिर से एक्सप्लेन करके आए थे, लेके आना बेटा, कल फिर से कॉपी को एक्सप्लेन कर लेना, इसमें एम को है एक्सप्लेन कर लेना फिर से, ठीक है? I'm going to go to the next one.